मुझे नहीं लगता दोस्तों हम बेटियों को कभी न्याय मिलेगा। हम बेटियां अभी तक सुरक्षित नहीं हैं, हम बेटियों को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। तो दोस्तों आजकल आप लोग न्यूज पर, यूट्यूब पर, हर जगह देख रहे होंगे एक शर्मनाक घटना जो कि कोलकाता में हुई है। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता शहर में, जो कि अपने संस्कृति एवं बौद्धिकता के लिए गर्व करता है, लेकिन उसी शहर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर सुबह के समय एक शव पाया गया और वो शव था डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी का। उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है दोस्तों। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हम बेटियों के साथ फिर से एक शर्मनाक घटना हुई है। 9 अगस्त के दिन एक उज्जवल भविष्य वाली युवा डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी के साथ बड़े क्रूरता पूर्वक एक बार उनका बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हमारी डॉक्टर दीदी के साथ हुई घटना हमें ये याद दिलाता है कि हम लड़कियां अभी भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। हमारे उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी जी के साथ यही घटना हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। पता नहीं इन चीजों में सरकार कानून अपने आंखें बंद क्यों कर लेती है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि दोषियों को सजा दो, उन दरिंदों को सजा दो। अगर उनसे उनको सजा नहीं दी जा रही है तो आप लोग उसे पब्लिक के हवाले छोड़ दीजिए। पब्लिक को पता है कि उन्हें क्या करना है। जिस तरीके से उन्होंने हमारी दीदी को इतनी बुरी मौत दी है, हम पब्लिक भी उसे वैसी मौत देंगे और उस दरिंदे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि जब आगे जाकर कोई लड़का इस घटना के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। न्यूज में जब उनके साथ हुई घटना को बताया जा रहा है तो हम लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, हमारी रूह कांप रही है। उनके साथ जब सेमिनार में वो घटना हुई तो वो कितनी ज्यादा डरी हुई होंगी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि हम बेटियों को न्याय दें, हमें सुरक्षित रखें। आज एक दरिंदा पैदा हुआ है, कल दूसरा दरिंदा पैदा होगा, ऐसे ही हमारे भारत देश में होते रहा है। जब भी एक लड़की के साथ अन्याय होता है तो सरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2-4 दिन तो बहुत शोर होता है, हल्ला गुल्ला होता है, फिर सरकार उनको चुप करवा देती है कि हम लोग न्याय दिलाएंगे करके, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं कहां जाता है वो कानून, कहां जाती है वो सरकार, एकदम सुनसान सा माहौल हो जाता है, किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। तो ये सोच करना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। धीरे धीरे हम बेटियों को मौका मिल रहा था आगे बढ़ने का, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो हम बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए काफी सारे नियम निकाले गए हैं ताकि बेटी आगे बढ़े। बेटी पढ़ लिख के भी क्या करेगी जब उसे आगे जाके इन चीजों से गुजरना पड़ता है। एक लड़की पढ़ लिख कर चाहे कितनी भी सक्सेस हो, लेकिन ये दुनिया वाले उसे एक अबला, एक चीज ही समझते हैं। हम लोग ना अपनों से सुरक्षित हैं, ना ही बाहर वालों से। अभी कोलकाता में हुई शर्मनाक घटना को देखकर कौन लड़की पढ़ना चाहेगी, कौन लड़की आगे बढ़ना चाहेगी। अभी हमारी डॉक्टर दीदी के साथ इतना ज्यादा गलत हुआ है, उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी कड़ी मेहनत की, तब जाके वो डॉक्टर बने। इसमें क्या उनकी गलती थी? नहीं, इनमें उनकी गलती है जो उन्हें बुरी नजर से देखते हैं। तो अभी तक हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे दरिंदे पल रहे हैं जिनकी बुरी नजर है। सरकार कहती है लड़का लड़के एक समान है, लेकिन मुझे तो ये नहीं लगता है। लड़के बेखौफ होकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हम लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो हमारे मन में डर बैठा रहता है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जिस दिन हम लड़कियां भी लड़कों की तरह घर से बाहर निकलेंगे। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हम लड़कियों को न्याय दें, हमारी डॉक्टर दीदी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उस दरिंदे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे जाकर किसी भी लड़के के मन में ऐसे दुष्कर्म करने का विचार आए तो उसकी रूह कांप उठे।